वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वख-वख धर्मां च वख-वख कौमां च अपना कल्चर ते अपने उन्हां दे धर्म दे सिधांत आ। धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने जदों इस धरती ते प्रकाश धारिया उन्हें एक नवेकड़ा सिधांत बख्शे कीता गुरु के सिखां नूं नहीं समुची मनुखता नूं, ओह सी गुर शब्द दा सिधांत। ते साढ़े लंबा अरसा सिख कौम का कोई अपना कैलेंडर ही नहीं। गुरु के सिखा ने यतन किया और उस यतन के तहत फिर यह नानक शाही कैलेंडर जोड़ा होने वि आया। तो इस कैलेंडर का मूल रूप के गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े आधार मान के यह जोड़ा कैलेंडर यह बनाया। ते आज 555वां नानक शाही संबत जिहड़ा चढ़िया, उंज भी जिहड़े देसी महीनों के तौर पर या गुरमत के तौर के उत्ते साडा जदों चेत का महीना पहली चेत नूं संग्रांद हुंदी उदों ही इह साडा जिहड़ा नवां साल शुरू हुंदा। गोरियां दा साल जां होर बहुतात दा 1 जनवरी नूं हुंदा, पर नानक शाही कैलेंडर ने साडे जिहड़े लुकमे त्यौहार सी उह भी उजागर कीते। अक्सर थानू सारयां नूं पता कि साढ़े छोटे होंदे सुणदे सी कित्थे नूं चलां, अमृतसर नूं दिवाली मनाउण चलां। उहदे जेहन च नहीं सी हुंदी गल इह ठीक आ मुबारक आ उस कौम दा त्यौहार आ उहनां नूं मुबारक आ, पर सिखां दा बंदी छोड़ दिवस सी। हुण हौली 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 तब्दीली होई कि दिवाली हिंदुआं दा त्यौहार आ, सिखां दा त्यौहार बंदी छोड़ दिवस आ। इन्हें आप होली की गल करते हैं, गुरु साहब जी ने गुरु दसम पातशाह जी ने होले महले का एक बखरे तौर पर नवेकड़ा सानू सिधांत बख्शिश किया ता कि सिख शरीरक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी तकड़ा रहे। इवें साडा जिहड़ा दशहरा आ वो भावें दूसरी कौम का त्यौहार आ, पर नानक शाही कैलेंडर च इहनूं खालसा दरबार का रूप दिता गया। उंज भी जिदा गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके दसे पातशाहियों की, चाहे गुरता गद्दी दिवस आ, चाहे ज्योति जोत समाउण का दिवस आ, प्रकाश दिहाड़े आ, यह नानक शाही कैलेंडर में हर एक सिख नूं अपील करदा जंतरी भी अपने घर च रखो, पता भी होवे कि सिखां दे मूल रूप दे विच शहीदी साके किहड़े आ। अज आपां 200 साल उस महान जरनैल जिस महान जरनैल ने जिथे बुढ़ा दल की सरप्रस्ती की उत्थे साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के उस पवित्र तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के बतौर जथेदार सेवा की। सेवा ही नहीं की, जे सिख राज का सरैया कह लीए तो महाराजा रणजीत सिंह का उस सिख राज का सरैये के बहुत बड़ा योगदान अकाली बाबा फूला सिंह का भी सी। और उन्होंने मैं जल्द इतिहास कल पढ़ता से बैठा उन्हां दा सवांत समाद नाल रचा के दूजे नूं कायल करन दा बहुत वड्डा ढंग सी उन्हां दे कोल। इहो कारण कि इत्थे पंगियां दे नाल जे महाराजे दा समझौता कराया तो उन्होंने सवाद दे नाल कराया। ते मैं जे सिक्खी जज्बे की गल कर लवां, जे महाराजे ने कोई अवज्ञा कीती ते गुरु सिधांत दे उत्ते श्री साहब लैके मोहरे खड़ जाणा ते फिर ललकारना, यह मैं समझना सारा कुछ गुरु नानक देव पातशाह जी ने बख्शिश कीती सी। ये अज दो साढ़े पवित्र दिहाड़े आ गए, एक तो नानक शाही 555 ये संबत अज नवा साल साडा चढ़िया, नाल उस महान जरनैल का 200 साल शहीदी शहीदी दे अपनी शताब्दी भी है। सो मैं सिखां नूं भी चेचे तौर पर सारे अपील करदा कि आप सारे ये जिहड़ा सतगुरु जी का पवित्र सानू सतगुरु जी ने गुर शब्द का खजाना बख्शिश किया ये नाल जुड़िए, क्योंकि ये धुरकी बाणी सतगुरु जी ने करते दी जिहड़ी सारी खेड वो अपने राही गुरु के सिख दे पल्ले पाई, पर सिख अज भी हले अधूरा फिरदा। गुरु साहब कृपा करन जिथे आपां पवित्र दिहाड़े शरदा नूं मनाउने आ उन्हां पवित्र दिहाड़ियां नूं गुरमत अनुकूल मनाइए। कई बार आपां मेले के रूप में मनाउने आ ते सतगुरु जी ने सानू जोड़ ते मेला ते जोड़ना है मेले के रूप में, किहड़ा मेला
गुरु के नाल जोड़न का मेला तो आप फिर कई बार यू एड्डी पद्धर से लै जाने फिर गुरमतियां भी लंघनावान होंगे बहुत सो गुरु साहब कृपा कर सारी संगत को बहुत बहुत बधाई देना ये कामना भी करना गुरु साहब सारे परिवार सुख शांति चढ़ती कला नाम दियां दातां सारियां बख्शिश करन वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह।